Xiaomi ने आज अपनी Redmi K सीरीज लॉन्च की। उसमें तीन फोन मिलेंगे आपको, Redmi K60, K60e एंड K60 Pro। तो इस वीडियो में आपको इनकी स्पेक्स के बारे में बात करूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। Redmi K60 में आपको Snapdragon 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। वही बात करें Redmi K60e में तो इसमें आपको Dimensity 8200 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। Redmi K60 Pro की बात करें तो इसमें आपको Snapdragon 8 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन की बात करें तो Redmi K60 में आपको 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। एटलीस्ट तीनों फोन में सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, बट जो K60 Pro है उसमें आपको 2K रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। सेल्फी कैमरा की बात करें तो तीनों में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। अगर Redmi K60 एंड K60e में आपको 5500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो 67W फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट करेगी। और वहीं Redmi K60 Pro की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 120W फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट करेगी। तो जो Redmi K60 Pro, इसमें इन्होंने एक नया फीचर दिया है Redmi इंट्रोड्यूस आउट ऑफ ब्राइटनेस का। Redmi K सीरीज की फुल वीडियो को देख लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।